गाइस वेलकम बैक टू YouTube चैनल। एक हफ्ते से हम लोग 10 टू 15,000 के रेंज में अच्छे मॉनिटर ढूंढ रहे थे। काफी सारे सर्चर्स और फिल्ट्रेशन के बाद हमें ये दो मॉनिटर हाथ लगे थे, तो आज हम इन दो मॉनिटर्स का रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको हम डेमो भी दिखाएंगे मॉनिटर्स का। ये मॉनिटर जो है मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको इतना बेहतर एक्सपीरियंस देगा ना, हमने खुद यूज करके देखा है इन्हें 2-3 दिन। इसका वीडियो देख लो, वीडियो का वो क्वालिटी देख सकते हो और ऊपर से आपको जब दिन भर काम कर रहे हो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो मोस्टली मॉनिटर्स में रहते हैं कि आंखों में यार प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं, हम लोगों ने खुद यूज करके देखा है। तो आइए देखते हैं मॉनिटर्स का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो गाइस ये जो दो मॉडल्स हम जब लेकर आए उसमें से एक है हमारा M22F और दूसरा है M24FWA। तो आइए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। शुरुआत हम करते हैं M22F से। इसको फिलहाल मैं रखता हूँ बाजू में, शुरू करते हैं इससे। तो हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं बक्से पे है, उन्होंने लिखा तो है 1080 पिक्सल्स FHD विद IPS डिस्प्ले और लो ब्लू लाइट जो आपकी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। और रिसाइकल मटेरियल है, जैसे कि हम जानते हैं कि HP का एक खास है कि वो लोग हर एक प्रोडक्ट के लिए रिसाइकल मटेरियल ही यूज करते हैं, तो ये अच्छा काम HP कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस इसका हमें मिल रही है ये दो केबल्स, एक है हमारी VGA केबल और एक है HDMI केबल। और ये देखो हमें एक सेटअप मैनुअल भी मिल रहा है जो आपको हेल्प करेगा आपके हर एक सेटअप के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं देखो यहाँ पर इन्होंने और कुछ दिया है, वो है आपका स्टैंड। ये देखो आपको स्टैंड का पूरा सपोर्ट यहाँ पर है, तो इसको लगाने के लिए तो आपको शायद ये मैनुअल की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो शायद ये मैनुअल वेस्ट नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो अगर ये साइड में रखे तो शायद से हमारा मॉनिटर अंदर है। तो लेट्स सी। हाँ, वेस्ट की बात कर रहा था, ये कुछ वेस्ट मैनुअल्स है जो शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस मैं मॉनिटर तो ओपन कर ही रहा था, पर उससे पहले मेरा ध्यान एक चीज की तरफ गया। ये हमारा जो मैनुअल का सेकंड सेट हमें मिला था, तो पर ये देख सकते हो अब ये बच्चा दिखा है यार, ये कौन सा बच्चा जो हर बार प्लास्टिक से मर रहा है भाई। हमें तो ऐसा अभी तक दिखा नहीं, सुनने को आया नहीं है। क्यों यार, क्यों, कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चों के मुंह पे प्लास्टिक बांध देंगे यार, कुछ भी भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो बढ़ते हैं अपने मॉनिटर की तरफ, चलिए शुरू करते। ये हमारा मॉनिटर इन्होंने अच्छे से पैक किया है, इसको ओपन करते हैं तो ये एकदम स्लिम मॉनिटर जो कहते हैं ना, एकदम बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, वाओ। साइड में रखता हूँ खोके को, साइड में रखता हूँ और मॉनिटर का एक जूम इन आपको दिखाता हूँ। Yes, yes, finally जोड़ दिया हमने इसको, पर यार ये चल क्यों नहीं रहा है, सॉरी हमने ये जोड़ा ही नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो पहले बता दो, जोड़ने से पहले ये है हमारा M22F जो आपका आता है 21.8 इंच, भाई 2 इंच आपको छोटे, 2 इंच भी बहुत ज्यादा होता है। That's what she said. तो आइए चलते हैं हम इसको जोड़ने की तरफ, चलो। भाई खूब क्लोजली देख ली, अब चलते हैं इसके वीडियो क्लैरिटी की तरफ। गिरगिट से पक गए यार, तो थोड़ा ऑगी चला लिया है हमने। अब देख सकते हो ऑगी, ये कार्टून की क्लैरिटी देखो आप, यार ये क्लैरिटी आपको कौन से मॉनिटर में देखने मिलती है, वो भी इतने चीप रेट्स में। 10 to 15,000 का रेंज है, उतना भी ज़्यादा रेंज नहीं है, मिनिमम रेंज है। और आप देख सकते हो यार मैं इतने पास जा रहा हूँ, लाइट फेंक रहा नहीं है। हाँ, हमारे नॉर्मल टीवी के पास जो है वो कुछ लाइट फेंकते, यानी कोई लाइट नहीं फेंक रहे ऊपर से। इसमें एक अच्छा है कि 12 घंटे भी नॉन स्टॉप काम करोगे ना, आपकी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाओ गाइस, और एक बात है इसमें आप इसकी ब्रेजल देख सकते हो कितने थिन है, कितने पतले है, ना के बराबर है ये। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको ऑपरेट करने के लिए हम यूज करें रेपो का कीबोर्ड माउस का सेट, जिसका एक शॉर्ट या फिर आपके साथ रील टाइप वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। हमने अभी
हमारा M22F ये मॉडल देख लिया है, इसकी प्राइस आपको मिलेगी हमारे पास 10,500 ओनली। अब हम बढ़ते हैं हमारे M24FWA की तरफ, तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में आपको करने टाइम पास नहीं करा हुआ यार, पहले अनबॉक्सिंग जो किया हमने आपको सारे वही चीजें मिलेगी, स्टैंड मिलेगा, केबल्स मिलेगी, उसके बाद आपको आपके मैनुअल मिलेंगे, मैनुअल में वही बच्चा थैली डाले हुए मर रहा है उसकी तस्वीर मिलेगी, तो वो बकवास चीजें हमें दिखनी नहीं है। इससे अच्छा मैं सीधा आपको मॉनिटर की तरह लेके जाता हूँ, उसकी क्लैरिटी देखते हैं और दोनों की क्लैरिटी मैं आपको मैप पर डिफरेंस बताऊंगा। ओके ओके ओके, इसमें भी हमने ओगी ही चलाया है, तो आप देख सकते हो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसमें। एक बार बता दूं आपको, इसमें जो भी ऑडियो चल रहा है वो मॉनिटर का ऑडियो है, डिसेंट सा है, नॉर्मल सा है, चल जाता है उतना ठीक ठाक है। आप देख सकते हो इसमें मॉडल का, देख सकते हो M24F 24 मीन आपका इसका ये हो गया, साइज हो गया, जो कि आपको आता है 23.8 दो इंच की वजह से पता है। WA का मतलब है विथ ऑडियो, तो ये भी देख सकते हो आप, ये इस वाइडर रैपो का कीबोर्ड और माउस के सेट के साथ एकदम सेटअप कमाल कर रहा है, सब वाइट है। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें पुराने वाले मॉनिटर से ओगी भाई एकदम बेहतर दिख रहा है, चमक के आ रहा है एकदम चॉकलेट बॉय। Nice. अब इसकी ब्लेजर की बात करें तो सेम है, देखो थिकनेस दोनों का भी बहुत कम है, एकदम थिन ब्लेजर से ना के बराबर है। अब बढ़ते हैं इसके प्राइस की तरफ, इसमें भी ऑडियो आ रहा है, ऊपर से आपको साइज भी बड़ा है और कलर भी काफी, आई मीन व्हाइट कलर है तो इतना उठ के आ रहा है, आपको सेटअप इतना कमर का दिएगा ना। इसमें प्राइस है इसका 13,500, उसका था 10,500। तो आपको खरीदना है तो आप अभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में देखे रहेगा शॉप का, और शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, जो नई मुंबई से है, डू विजिट आवर शॉप। और जाने से पहले यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूले, वी नीड योर सपोर्ट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइस।